This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. So guys, Tarmac एक awesome tool है that allow you to use almost all programming languages. लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि यहाँ पर आपको programming के लिए एक good text editor नहीं है. और बहुत सारे लोग नैनो यूज़ करते हैं टू राइट टाइनी कोड्स. लेकिन अगर आप चाहते हो कि Tarmac पर कुछ अच्छा कोडिंग करना चाहते हो तो आपको एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर चाहिए. तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप Tarmac पर एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल कर सकते हो. यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टमाइजेशन ऑप्शन और एक क्लीन लुक, और यहाँ पर आपको कलर टेक्स्ट भी मिलेगा. मतलब यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हो. ये एक वर्चुअल बेसिक कोड की तरह है. और यहाँ पर Tarmac IDE पर जब आप एक सीरियस कोडिंग करोगे तो आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड ले लेना. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक वायरलेस कीबोर्ड और एक माउस यूज़ करें. तो अभी हम Tarmac पर चलते हैं. तो अभी आप सबसे पहले Tarmac को अपग्रेड कर लेना. तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा apt update एंड अपग्रेड एंड हिट एंटर. तो ये मेरा अपडेट अपग्रेड हो गया. तो अभी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा wget. तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा pkg install wget-y. एंड हिट एंटर. तो ये मेरा पहले से इंस्टॉल है. तो अभी इसको इंस्टॉल कर लेना. तो अभी आपको टाइप करना पड़ेगा wget स्पेस, और मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना. और इस लिंक को कैसे कॉपी करते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है इंस्टाग्राम पर, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो. तो अभी यहाँ पर पेस्ट कर देने के बाद हिट एंटर. तो अभी आपको टाइप करना पड़ेगा बेस स्पेस इंस्टॉल डैश codeite.ss एंड हिट एंटर. और यहाँ पर मैं जैसा लिख रहा हूँ आपको वैसा लिखना होगा. अगर आप स्पेलिंग रॉन्ग लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा. ठीक है, मैं जैसा लिख रहा हूँ आपको वैसा ही लिखना होगा. तो अभी आप टाइप करना codeite एंड हिट एंटर. तो उसके बाद आप एक ब्राउजर चूज करना. तो मैं क्रोम ब्राउजर को चूज करता हूँ. तो आपके सामने ये कोड एडिटर ओपन हो जाएगा. तो इस तरह से आप Tarmac पर एक कोड एडिटर इंस्टॉल कर सकते हो.